हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह अपने चैनल लॉ एंड शुड नो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं एक छोटा सा पॉइंट उठाने वाला हूँ कि क्या बिना डाइवोर्स के भी मैरिज को रद्द एंड किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ में, यस। सेक्शन 5(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट स्टेट्स दैट मैरिज कैन बी एंडेड बाय पेटिशन ऑफ एनुलमेंट इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि उस सेक्शन को सेटिस्फाई करता है जो मैंने आपको बताया एनुलमेंट का, सेक्शन 5(2), तो आप एक एनुलमेंट पेटिशन दे करके अपनी मैरिज को बिना डाइवोर्स के पहले ही उसको रद्द करवा सकते हैं। अब वो कौन से ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड्स पे आपकी मैरिज एनल की जा सकती है, रद्द की जा सकती है, जैसे कि मैं बताता हूँ नंबर वाइज आपको। सपोज़ आपके स्पाउस हैं, उनको रिकरेंट अटैक्स होते हैं इनसैनिटी के, या आपकी मैरिज फ्रॉड के द्वारा परफॉर्म की गई है स्पाउस द्वारा, या आपकी मैरिज डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाती है। इसके अलावा अगर दोनों की एज में से किसी एक की एज कम थी, जो मैरिजेबल एज होती है 21 साल लड़के की और 18 लड़की की, उसमें से कम थी, तब भी जो अपोजिट पार्टी है वो अपना मैरिज को एंड करा सकती है एनुलमेंट पेटिशन लगा के। इसके अलावा अगर स्पाउस लिविंग है, एक भी पार्टी का पहले से शादी हो रखी है और उनका वो स्पाउस लिविंग है, तब भी आप मैरिज को कैंसिल करा सकते हैं। कंसेंट नॉट टेकन, शादी के वक्त में कंसेंट जो है वो नहीं ली गई, या कंसेंट फ्रॉड के द्वारा ली गई हो और मैरिज में कुछ ऐसे बात थे जैसे कुछ हिडन करके आपसे मैरिज की गई हो, छुपा करके की गई हो, तो ये सभी ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनके आधार पर आप एनुलमेंट पेटिशन लगा सकते हैं और आपकी मैरिज को कोर्ट रद्द कर देगी। इसके अलावा कुछ और हैं जिनमें आप ग्राउंड्स हैं जिन पर आप वॉइडेबल हैं, मतलब वो आपके ऊपर है कि वो आप कराना चाहें उस मैरिज को उन बेसिस पे या नहीं। जो मैंने अभी पहले आपको ग्राउंड्स बनाए वो तो इलीगल माने जाएंगे, दैट इज़ इनवैलिड इन हिंदू मैरिज एक्ट। इफ़ देर आर दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच यू हैव अप्लाइड विच आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, then that marriage will be illegal. But now I am, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, which I am telling you, अगर आप इन grounds पे अपना marriage voidable, वो grounds जिन पर आप void करा सकते हैं, जिन पे जो आपके अनुसार जो आप चाहते हैं, तो आपके ऊपर होगा, आप चाहें तो void करा सकते हैं। वो grounds क्या हैं? वो ग्राउंड्स हैं इम्पोटेंसी, अगर एक भी स्पाउस इम्पोर्टेंट है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। इसके अलावा ये मैरिज वैलिड नहीं है, फ्रॉड के द्वारा की गई है, परफॉर्म की गई है, और या फिर यह फोर्स्ड मैरिज है, मतलब कोई फोर्स द्वारा मैरिज परफॉर्म कराई गई है। तो ये ग्राउंड्स सारे वॉइडेबल हैं, यानी आप चाहें तो इनको अपनी मैरिज इन ग्राउंड्स के आधार पे कैंसिल करवा सकते हैं। अब इसमें प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि आप एनुलमेंट पिटीशन बना करके कंप्लेनेंट द्वारा वो लगाया जाता है कोर्ट में। कोर्ट उसको स्टडी करने के बाद, आपसे जानकारी लेने के बाद, एक नोटिस इशू कर देती है अदर पार्टी, यानी हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, और फिर उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं और काउंसलिंग होती है, एग्जामिनेशन ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड आपने, जिस ग्राउंड पर आपने एनुलमेंट की पिटीशन लगाई है उसका एग्जामिनेशन होता है, उसके बारे में एविडेंस सबमिट होते हैं, फिर उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है, इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, और फिर जजमेंट या डिक्री दे दी जाती है। तो दोस्तों, ये भी एक तरीका है जिससे कि मैरिज को एंड किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करें और फिर उसमें लंबा विवाद चलेगा, और फिर तो
एनुलमेंट पेटिशन लगा के भी आप मैरिज को एंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये मेरी जानकारी जो मैंने दी है, हालांकि मैंने पूरा किया है, लेकिन फिर भी कोई आपको ऐसी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं या कोई आप बात पूछना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल नंबर 9990274933 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मेरा जो भी जो चैनल आप देखते हैं लव वन शुड नो, उसमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।